हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक फाउंडेशन का रिव्यू। ये है स्विस ब्यूटी की तरफ से और आज मैं आपके साथ इसका डिटेल से रिव्यू शेयर करूंगी। ये जो फाउंडेशन है कैसा है, डेमो भी शेयर करूँ, उसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी इसकी कवरेज वगैरह कैसी है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करेंगे। आप देख सकते हो ये गोल्डन कलर के आउटर बॉक्स के साथ आया है। काफी ह्यूज फाउंडेशन है, मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही ह्यूज है ये। मैंने इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने इसको परचेज किया है फ्लिपकार्ट से और पैकेजिंग आप देख सकते हो ये गोल्डन कलर की पैकेजिंग के साथ है। और यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, हाई कवरेज फाउंडेशन है, वाटरप्रूफ बताया गया है, वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन है स्विस ब्यूटी की तरफ से। इसका जो फुल नेम है, हाई कवरेज सिल्क टच क्रिएट द न्यूड मेकअप, ऐसा ही क्लेम कर रहे हैं। इसकी कवरेज जो बता रहे हैं, हाई कवरेज प्रोवाइड करता है। इसमें मेरे पास शेड है 1, आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, आई थिंक 5 to 6 शेड आते हैं इसमें। मेरे पास ये 01 है, न्यूड आइवरी, सॉरी व्हाइट आइवरी वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन है ये। सो इतना कुछ मेंशन है इसकी फ्रंट साइड में। इधर बॉटल मिल रही है, आप देख सकते हो इसकी जो फ्रंट साइड में इमेज बनी हुई है, सेम आपको वैसा ही फाउंडेशन मिलने वाला है। ग्लास बॉटल है। और इधर देख लेते हैं क्या क्या कुछ मेंशन है इसके बारे में। सो इधर बैक साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है स्विस ब्यूटी वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन, ए वाटरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके बारे में, विद डबल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर एंड प्लांट एसेंस विद बीबी क्रीम लाइक स्किन फीलिंग परफेक्टली कंफर्टेबल लाइक लिक्विड फाउंडेशन कंसीलर इफेक्ट देता है। ये जो है बहुत ही ज्यादा वाटरी बता रहे हैं, बीबी क्रीम की तरह बता रहे हैं इसको। नीचे आपको इसके यूजेस मिल जाएंगे, इसको यूज कैसे करना है, इंग्रीडियंट्स भी मेंशन है यहाँ पे। सो चलिए अभी हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, इसकी प्राइस कितनी है। सो ये मेड इन PRC है, आप देख सकते हो इधर PRC लिखा हुआ है। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस इसकी इधर मेंशन है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ लिखा हुआ है 399 रुपीज लिखी गई है इसकी। जो आपको इसमें नेट कंटेंट मिल रहा है, 60 ग्राम का प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा क्वांटिटी है। 399 रुपीज में आपको 60 ग्राम का प्रोडक्ट मिल रहा है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूँ तो 21 को ये मैन्युफैक्चर हुआ है, एक्सपायर करेगा 25 को। तो इजीली आप इसको 4 ईयर तक यूज कर सकते हो इजीली इसको आप। इसमें आपको क्वांटिटी मिल रही है 60 ग्राम, जो कि काफी ह्यूज क्वांटिटी आपको इसमें मिलती है। तो चलिए अभी हम इनर प्रोडक्ट देख लेते हैं, हमारा जो इनर प्रोडक्ट है वो कैसा है। सो आप फाउंडेशन देख सकते हो कुछ इस टाइप से है, ट्रांसपेरेंट ये बॉटल है, ग्लास बॉटल है, और पंप के साथ ये आता है जो कि काफी अच्छी बात है। पंप के साथ आ रहा है ये फाउंडेशन। सो इसमें फ्रंट साइड में वही सब कुछ मेंशन है, हाई कवरेज वाटरप्रूफ बेस फाउंडेशन, स्विस ब्यूटी सिल्क टच क्रिएट द न्यूड मेकअप, और शेड आपको मिल जाएगा इधर मेरा 01 व्हाइट आइवरी। क्वांटिटी वगैरह मेंशन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन है, सब कुछ मेंशन है वही जो इसके बाहर बॉक्स में मेंशन था। सो ये कुछ इस टाइप से एक कैप के साथ आता है और पंप मिल जा रहा है आपको, गोल्डन कलर का कैप है, काफी हैवी है, ट्रेवल में कैरी करना बहुत रिस्की वाली बात है, ग्लास बॉटल है, टूटने के चांसेस है, बट 50% है क्योंकि आपको इसके साथ बॉक्स मिल रहा है। सो काफी ह्यूज है फाउंडेशन, आप देख सकते हो 60 ग्राम का आपको इसमें प्रोडक्ट मिलता है। आपको हैंड पे थोड़ा सा निकाल के दिखा देती हूँ, इसका पंप से शेड आप देख सकते हो। सो ब्लेंड भी काफी अच्छे से हो गया है, लेकिन मैंने इसको फेस पे अप्लाई किया है, इसकी मुझे जो कवरेज है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। इसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस भी है और फुल कवरेज तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, इसको डेफिनेटली आप बिल्ड जरूर कर सकते हो, ओके ओके काइंड ऑफ फाउंडेशन मैं इसको कहूंगी। मैंने इसको यूज भी किया है, सो ये इसकी कवरेज है, आप देख सकते हो डिफरेंस देख सकते हो दोनों में। सो इतनी खास कुछ डिफरेंस नहीं आया, आप देख सकते हो सेम ही लग रहे हैं। सो फुल कवरेज तो मैं इसको नहीं कहूंगी कि फुल कवरेज है, हाँ इसको डेफिनेटली आप बिल्ड जरूर कर सकते हो। सो चलिए मैं अभी आपको अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ इसकी जो कवरेज है कैसी आ रही है, ब्लेंड होने में कैसा है ये। I don't wanna miss a beat. And
जैसा कि आपने देखा मैंने इसको फेस पे अप्लाई किया, मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको स्पॉन्ज से जब इसको ब्लेंड किया तो जितना भी प्रोडक्ट था आई थिंक स्पॉन्ज ने पी लिया है, इसको अब्सॉर्ब कर लिया है। इसकी जो कवरेज है मुझे शेयर कवरेज लग रही है, फुल कवरेज तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा ये। तो इसकी कवरेज तो मुझे बिल्कुल भी कहीं से भी हाई कवरेज नहीं लग रही है। मुझे फाउंडेशन इतना ज्यादा ये पसंद नहीं आया है, मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। मैंने इसको परचेज इसलिए किया क्योंकि इसका जो कंसीलर है वो काफी ज्यादा अमेजिंग वर्क करता है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, मैट कंसीलर होता है और फुल कवरेज प्रोवाइड करता है जो इसका कंसीलर है स्विस ब्यूटी का। मैंने सोचा इसका फाउंडेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया फाउंडेशन, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ कि ये फाउंडेशन आप बाई करो। अगर आप अफोर्डेबल रेंज में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई फाउंडेशन लेना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो अगर बिगिनर्स हो तो, बट मुझे ये फाउंडेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कवरेज मुझे इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने एक साइड आपको ब्रश से अप्लाई करके दिखाया है, एक साइड से आपको स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड करके दिखाया, दोनों की कवरेज ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करने पर इसके ब्रिसल्स अलग दिखाई दे रहे हैं फाउंडेशन के फाउंडेशन को ब्लेंड करने पर। सो उसके बाद भी आपको स्पॉन्ज से सेट करने की जरूरत पड़ रही है। ओवरऑल इसकी कवरेज मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मैंने सेकंड लेयर इसकी अप्लाई की तो थोड़ा सा केकीनेस आ गया था इसको लेयर अप करने में। तो अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूं तो थोड़ा सा वाटरी बेस्ड है। सो गाइस ये था छोटा सा रिव्यू इस प्रोडक्ट के ऊपर। आई होप आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।